जोत गौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर बॉलीवुड फिल्म के चर्चित कपल रहे, लेकिन ये साथ लंबा नहीं चला। दीपिका से अलग होकर रणबीर कटरीना को डेट करने लगे। वहीं दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह में अपना नया साथी मिला। रणबीर कपूर को डेट करने के दौरान दीपिका ने अपनी गर्दन के पीछे एक टैटू बनवाया था। इस टैटू में रणबीर कपूर के इनिशियल्स RK लिखे थे। लेकिन रणबीर से ब्रेकअप के बाद कहा जा रहा था कि दीपिका ने टैटू हटवा लिया है, लेकिन हाल ही में दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर में टैटू की एक झलक देखने को मिली, जिससे पता चलता है कि दीपिका ने टैटू हटवाया नहीं है। दीपिका पादुकोण ने मेट गाला वाले अपने लुक की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। इस तस्वीर में दीपिका का वो टैटू अच्छे से नजर आ रहा है। वहीं ये टैटू लक्स के कमर्शियल एड फरहान अख्तर के साथ किए गए सॉफ्ट ड्रिंक की एड में भी पूरी तरह गायब है। शायद उस वक्त टैटू को मेकअप की मदद से गायब किया गया हो। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की फिल्म राब्ता के लिए टाइटल ट्रैक शूट किया है। इस गाने में दीपिका पादुकोण का लुक उनकी हॉलीवुड फिल्म की याद दिला रहा है। राब्ता फिल्म का ये टाइटल ट्रैक सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद के सॉफ्ट रोमांटिक गाने राब्ता का रिक्रिएटेड वर्जन है। फिलहाल जहां खबरें चल रही थी कि दीपिका पादुकोण ने RK वाला टैटू अपने गर्दन के पीछे से हटवा लिया है, तो मैं बता दूं कि इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में उनका टैटू बिल्कुल विजिबल है। दीपिका पादुकोण ने कोई टैटू नहीं हटवाया है, वो शायद मेकअप की मदद लेकर उसे थोड़ी देर के लिए छुपाया गया हो, लेकिन RK का टैटू अभी भी दीपिका की गर्दन पर मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।